सिंधी समाज के महान संत अमर शहीद संत कंवर राम की 81वीं पुण्यतिथि पर रविवार को जटाशंकर स्थित लक्ष्मी सत्संग भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवंत सिंह माधवानी ने बताया कि सिंधी समाज के महान संत अमर शहीद कंवर संत कंवर राम की 81वीं पुण्यतिथि है, जिसमें सिंधी समाज के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके सिंधी समाज ने साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवत सिंह माधवानी ने कहा, ताकि हिंदुस्तान में होने दीजिए गोरखपुर से आवाज मार कर दुआ है तो जीवित कर ले जाए झूले तांजी आशीष होजे तुम्हारे गोरखपुर के निश्चित रूप से सभी के आशीर्वाद से सत्संग प्रवचन करें। मी रंजन के आशीर्वाद से साउंड मंगल एक कार्यक्रम चालू करो। से सिर्फ इन्हीं लाए कि भगत भाव सागर प्रसाद जो समाज में जुटे और एक जगह ने मिले हर महीने मिले असा समित के चेतना की 29 दिन का पाइने घर में रोगी खाओ प्रसाद सरो एक टीम दरबार में जी माता जो प्रसाद ग्रहण करो और बकला जैसे संस को अगर असा की जरूरत है कि शहर में कोई सामाजिक गाला या कोई भी धार्मिक गाला वही करे कल्याण का वही तो ये जो दरबार है जाते ना वही करे उन्हीं गालों को अरदान प्रदान असा करे सकते हैं। मुझे मकसद यही है साउंड मंगल जो करण जो कि असा एक जगह से इकट्ठा थी करे पाना में महीने में एक बार मिलो ये कभी पाने धार्मिक समाज में बाहर है पाना में मिली करे गालों के अरदान प्रदान के ताकि काते कोई कमी है तो उन्हें कहते होंगे क्योंकि हमेशा बता नहीं होती है समाज इंटरनेट नेटवर्क है और हर जगह से करण करण पाना के बड़ी हमी न लगे आऊं तो सब परिवार जाई मान में कभी ऐसा ही चला जाए अगर कभी कोई कमी अड़ी नजर अचे और लगे कि नहीं कल्याण खपे तो महीनों एक बार साओ मंगल थींदो उन अगर पाण वेंदासीं त शहर जे ॻाल्हि में ठगंदी और जेकी कमी आहे उहा भॻवान जी दया सां दूर थी 85 इहा डेट हुई जॾहिं अमर सही साईं कंवर राम साहब जा मीरपुर जे दरबारी गांव जे भाई ताराचंद जे घर में जनम वठी करे आया और धीरे 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 जीअं वॾा थियनि था उन्हनि जी माता साहब उनखे चइजे हुजे बेटा हीअ चणा थी हिनखे विकिणी करे नंढी अवस्था में जॾहिं उहो मां उनजो पूरो पढ़ियो त महात्मा गांधी जो प्रोग्राम एतिरी खलकत थी वई लखनि थी की शोरगुल में पंहिंजी ॻाल्हाए न सघे। मेरा नाम जीवत सिंह माधवानी है। मैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रांतीय प्रवक्ता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सिंधी कला साहित्य का मैं प्रेमी हूं। समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूं और समाज के प्रति मैं समर्पित रहता हूं। सिंधी समाज के महान संत अमर शहीद की 81 शहादत दिवस पर आज अपने संत अमर शहीद संत कंवर राम को हम लोगों ने याद किया है। याद करने की प्रक्रिया लगभग जब संत अमर शहीद संत कंवर राम को 1939 में जब उनकी कट्टरपंथियों ने सखर स्टेशन पर हत्या कर दी गई थी तब से लेकर भगवान झूलेलाल के बाद हम लोग की निष्ठा और आस्था का केंद्र बिंदु संत कंवर राम ही होते हैं। आज हम उनसे श्रद्धांजलि देकर सिंधी समाज ने अपनी परंपराओं को अपनी संस्कृति को और अपनी साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज हमारा समाज जो है उनकी शहादत दिवस को याद करके संतों के प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ हम अपने सिंधी समाज की समस्याओं को लेकर आज इस शहादत दिवस पर हम लोग अपना यूट्यूब में या फेसबुक के लिए चैनल की भी शुरुआत किए हैं। इंडक न्यूज़ के मामले को लेकर आज संत रविदास जी का मेरे ऊपर दया दृष्टि पड़ी हुई है। नरेश बजाज जी हैं, ये सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं नरेश कमचंदा नरेश मेघवानी जी और आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाकर सिंधी समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाया है।